नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए डेली अखबार के माध्यम से जो भी न्यूज प्रकाशित की जाती है सुबह सुबह मैं आप सभी के बीच में लाने की पूरी कोशिश करता हूं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तैयारी, पंचायत, प्रखंड, जिला परिषद व नगर निगम की अलग अलग नियोजन इकाइयों की बाध्यता होगी खत्म। नियोजित शिक्षकों का होगा एक ही जिला कैडर। ये बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है शिक्षा विभाग से। विभाग ने बनाया प्रस्ताव, अंतिम मुहर के बाद भेजा जाएगा सभी जिलों को नियोजित शिक्षकों को, स्थानांतरण समेत अन्य सुविधाओं का मिलेगा लाभ। आयोग के माध्यम से होगी बहाली की प्रक्रिया। आगे होने वाली बहाली प्रक्रिया आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग या बिहार लोक सेवा आयोग में से किसी माध्यम से शिक्षकों की बहाली कराने का विचार किया जा रहा है। उप माध्यमिक शिक्षा निदेशक अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया है कि शिक्षकों के हित में इस पर विचार किया जा रहा है। जिला कैडर होने से शिक्षकों का स्थानांतरण कहीं भी हो सकता है, इसमें प्रखंड या पंचायत की बाध्यता नहीं होगी। ये मुजफ्फरपुर से न्यूज आ रही है। नियोजित शिक्षकों का अब एक ही जिला कैडर होगा। पंचायत, प्रखंड, जिला परिषद व नगर निगम की अलग अलग नियोजन इकाइयों की बाध्यता इससे खत्म हो जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर के प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अंतिम मुहर के बाद इसे जिले या जिलों को भेज दिया जाएगा। जिला कैडर होने से नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण समेत अन्य सुविधाएं का लाभ पूर्व के नियमित शिक्षकों की तरह मिलेगा। जिला कैडर प्राइमरी, मिडिल के साथ हाई स्कूल और प्लस टू स्कूलों के लिए भी होगा। इस प्रस्ताव में सभी तरह के नियोजित शिक्षकों की बहाली से लेकर के उनके स्थानांतरण समेत अन्य सुविधाओं के लिए अलग अलग आवेदन अपने अपने नियोजन इकाई में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रखंड से लेकर के पंचायत समेत सभी तरह के नियोजन इकाई की भूमिका इससे नहीं होगी या इसमें नहीं होगी। सेवा शर्त को लेकर के यह विशेष तैयारी की गई है और इसके साथ ही बहाली में भी केंद्रीकृत प्रक्रिया के साथ ही जिला स्तर पर ही अधिकारी नियुक्ता होंगे। और इस प्रस्ताव पर मुहर लगने के साथ ही न केवल नए बहाल नियोजित शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा बल्कि पूर्व के नियोजित शिक्षक भी इसके दायरे में आएंगे। ये बहुत ही बड़ी अपडेट है शिक्षा विभाग से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इतने सारे नियोजन इकाई हैं जहाँ पर नियोजित शिक्षकों को परेशानी होती है। अब सिर्फ एक ही जगह आवेदन देना होगा, यानी कि 38 जिला, तो 38 ही आवेदन आप कर सकेंगे। ये बहुत ही बड़ी न्यूज शिक्षा विभाग से आ रही है। इसमें एक बात जो कही गई है कि आगे की बहाली जो है वो BPSC के माध्यम से कराई जाएगी, ये थोड़ा सा जो है वो अलग सा लग रहा है। इसमें हम सभी को प्रयास करना होगा, उसके बाद ही आप सभी को इसका परिणाम भी दिखने लगेगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सर धन्यवाद साथियों, सब्सक्राइब कीजिए ऑल टीईटी तैयारी को, दबाइए इस बेल आइकन को ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री।